पूरे उत्तर भारत में तेजी से फैल रहे स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान में हुई हैं। दिल्ली में भी स्वाइन फ्लू के कई मामले सामने आ चुके हैं। देश भर में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस तेजी से फैल रहा है। नए साल की शुरुआत के एक महीने में ही स्वाइन फ्लू के मामले चौंकाने वाले हैं। राजधानी दिल्ली में 267 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है और राजस्थान में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही गुजरात के वडोदरा में 5 और उत्तराखंड में 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस साल न सिर्फ H1N1 के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं बल्कि वायरस का खतरनाक रूप भी दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उत्तर भारत के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू इस साल के पहले 3 हफ्तों में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति पर रहा है। पिछले साल के मुकाबले स्वाइन फ्लू के मामलों के साथ साथ इस वायरस से होने वाली मौतों के आंकड़े भी बढ़े हैं। इस साल जनवरी के महीने में ही देश भर से स्वाइन फ्लू के 2,777 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 85 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। पिछले साल स्वाइन फ्लू के कुल 14,992 मामले सामने आए थे और इनमें से 1,103 लोगों की जान चली गई थी। उत्तर भारत में इस बार स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर अगर नजर डालें तो दिल्ली में पिछले साल स्वाइन फ्लू के 205 मामले थे जबकि इस साल अभी से ये बढ़कर 267 पहुंच गए हैं। पंजाब में पिछले साल 48 मामले सामने आए थे और इस साल अब तक 90 मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में पिछले साल 61 और इस साल जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ 246 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले साल 65 मामले और इस साल 90 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राजस्थान में पिछले साल भर में 2,375 मामले सामने आए थे जबकि इस साल के पहले महीने में ही राज्य में 1,856 मामले सामने आ चुके हैं। बुखार, खांसी, गला खराब, नाक बहना या बंद होना, सांस लेने में तकलीफ और बदन दर्द, सिर दर्द, थकान, ठिठुरन, ये सभी स्वाइन फ्लू के सामान्य लक्षण हैं। ऐसे लक्षण नजर आने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।